थोड़ी देर में आंध्र प्रदेश से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनडीए के मंच पर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी रहेंगे मौजूद। चुनावी बिगुल के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन, आज एक मंच पर जुटेंगे विपक्ष के तमाम दिग्गज। गिरिराज सिंह की इंडिया अलायंस की रैली पर अटैक, पटना से जो फोटो सेशन चला था वो मुंबई से खत्म होगा। न्याय यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का अटैक, नीतीश ममता ने राहुल को अकेला छोड़ा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, 5 गारंटी के आधार पर 2024 में जनादेश मांग रहे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का दावा, यूपी में बीजेपी 40 सीटें गंवाने जा रही, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। रामगोपाल यादव ने कहा, बीजेपी का नया मंत्र, लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराओ, चुनाव का टिकट कमाओ। पीएम मोदी पर बरसे आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा 10 साल से ईडी का इस्तेमाल सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हुआ। अरुणाचल में बीजेपी उम्मीदवारों का समर्थन करेगी एनपीपी, सीएम कॉनराड संगमा ने किया ऐलान। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा, पूरा देश मोदी को फिर पीएम बनाना चाहता ताकि देश हित में मजबूत फैसले लिए जा सके। मुंबई में कांग्रेस ना होती तो क्या होता कार्यक्रम, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, भारत का विभाजन ना होता, अत्याचार भ्रष्टाचार ना होता। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार, कहा अगर बीजेपी ना होती तो देश में दंगे नहीं होते, देश का रुपया मजबूत होता। महाराष्ट्र के बारामती में महायुति की बैठक, मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में जुटे सुनेत्रा पवार से की मुलाकात। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में कराएं विधानसभा चुनाव। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का बयान, केरल की जनता भी शांति समृद्धि और प्रगति चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को झटका, सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानव नागेंद्र ने कांग्रेस ज्वाइन की। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस की हालत इतनी खराब, सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ने से किया इनकार। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा जारी किया, वेबसाइट पर किया अपलोड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। कपिल सिब्बल का आरोप, इलेक्टोरल बॉन्ड में हुआ बड़ा घोटाला, बीजेपी को पहुंचा फायदा, इस पर जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किल, महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड में ईडी ने भेजे दो समन। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी को जांच से कोई मतलब नहीं, वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। आप नेता दिलीप पांडे बोले, ईडी अपनी हरकतों से दिखी रही बीजेपी की उतावलापन, कोर्ट के फैसले का नहीं कर रही इंतजार। केजरीवाल को ईडी के 9वें समन पर बोली सुप्रिया सुले, बदले की राजनीति का, भारत पर कब्जा, ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। अरविंद केजरीवाल के पास अब समन नहीं सिर्फ समन बचा है, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा ने कहा, जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा, ईडी के सवालों का जवाब दे केजरीवाल। यूट्यूबर एलविश यादव गिरफ्तार, नोएडा पुलिस ने किया अरेस्ट, सांपों के जहर केस में एक्शन, थोड़ी देर में होगी कोर्ट में पेशी। सीए का विरोध करने वालों पर भड़के ओपी राजभर, दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, ये कानून नागरिकता छीनने का नहीं। नागपुर में आरएसएस की बैठक में राम मंदिर पर प्रस्ताव पास, रामलला की भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा। दत्तात्रेय होसवाले ही होंगे संघ के नए सरकारवाह, फिर से 2027 तक के लिए चुना गया। संदेश खाली के आरोपी शाहजहां ने वापस ली गई जमीनों की होगी स्टडी, बंगाल गवर्नर ने बनाई थी। ईडी अधिकारियों पर हमले मामले में सीबीआई का एक्शन, शाहजहां शेख का भाई आलमगीर सहित 3 गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। बिहार में टीचर भर्ती, पेपर लीक के आरोपियों की पटना कोर्ट में पेशी, पेपर लीक गैंग के मेंबर्स और 300 अभ्यर्थियों को भेजा गया जेल। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में गजब हो रहा, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा मिल रहा। झारखंड के चतरा में जेपीएससी एग्जाम में पेपर लीक की शिकायत, उपेंद्र नाथ कॉलेज में अभ्यर्थियों का हंगामा, पेपर और आंसर शीट सील बंद न होने का आरोप। अभ्यर्थियों ने छोड़ा एग्जाम हॉल, कॉलेज में किया प्रदर्शन, सीएम के खिलाफ की नारेबाजी, युवाओं को समझाने में जुटे जिले के बड़े अधिकारी। गुजरात की यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद में एक्शन, 20 से 25 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, एक की पहचान हुई। गुजरात की यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों की पिटाई पर ओवैसी की पोस्ट, लेकर नमाज पढ़ रहे छात्रों के साथ हुई मारपीट, ये बेहद शर्मनाक। गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने हमले का लिया संज्ञान, डीजीपी और अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को किया तलब, दोषियों को अरेस्ट करने का आदेश। कर्नाटक में जल संकट पर सरकार का फोकस, कल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। राजस्थान सीएम ने लगाया जनता दरबार, जयपुर में सुनी लोगों की समस्याएं। गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पारिकर की पुण्यतिथि आज, सीएम प्रमोद सावंत ने दी श्रद्धांजलि। यूपी के रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, एक शख्स की मौत, जांच जारी। हरियाणा के फरीदाबाद में खेलते हुए बच्चों पर गिरा मकान का छज्जा, हादसे में एक बच्चे की मौत, एक घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री का बॉयलर फटने से बड़ा हादसा, 40 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। रायबरेली में दो कारों की आपस में जोरदार टक्कर, 3 लोग हुए घायल। सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने दिया बेटे को जन्म, पिता बलकौर सिंह ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी।
सोलापुर में इंदापुर एक्सप्रेसवे पर एक रेस्टोरेंट में युवक का मर्डर, 6-7 आरोपियों ने पहले मारी गोली, बाद में धारदार हथियारों से मारा। पंजाब के होशियारपुर में गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया के घर पुलिस की रेड, गैंगस्टर की फायरिंग में हेड कांस्टेबल शहीद, गैंगस्टर राणा हुआ फरार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी, बांदीपुरा गुरेज रोड हुई ब्लॉक।